विनती करूंगा, वो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनती करता हूं कि आइए और यहां पे आप संबोधित कीजिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते, उनका केवल एक लक्ष्य है राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि केंद्र में कांग्रेस UPA की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, ये रेवड़ी की श्रेणी में है तो मैं इस सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं तो वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी, ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग हैं। आज महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है, दोनों तरफ से मार लोगों को पड़ रही है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी इस रामलीला मैदान में जब जब हुंकार उन्होंने भरा है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है, चाहे वो किसानों के जो UPA सरकार में मुआवजा का प्रकरण लाया था, 3 बार अध्यादेश लाके से वापस करना पड़ा। राहुल जी ने कहा ये 3 काले कानून है, 1 साल के भीतर में वापस करना पड़ेगा और राहुल जी की बात सही साबित हुई और केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा है। आज बेरोजगारी और महंगाई के बारे में इस रामलीला मैदान में राहुल जी हुंकार भर रहे हैं। मेरा दावा है केंद्र सरकार ये महंगाई भी रोकने के लिए बाध्य होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए देश के कोने कोने से आप सब आए, आप सबका नमन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और शूरवीरों की भूमि से आते हुए हमारे साथी प्रताप सिंह बाजवा जी से विनती करूंगा कि आइए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए। बहुत ही परम सत्कार योग राहुल जी, साड़ी कांग्रेस दी सारी सीनियर लीडरशिप, जेदे वे साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, साडे लोकसभा ते राज्यसभा दे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन, साडे प्रदेश कांग्रेस दे प्रधान, साडे सीएलपी दे लीडर्स, साडे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ते विशेष तौर इस महा इकट्ठ च एकत्रित सारे हिंदुस्तान तो कश्मीर तो कन्याकुमारी तक एकत्रित इतने वड्डे पैमाने ते पहुंचे हुए कांग्रेस के वर्कर्स सारिआं नूं मैं इतने बहुत बहुत वेलकम करना ते कांग्रेस के वर्कर्स नूं मैं हिंदी च बोलन दे बजाय पंजाबी अपनी मातृभूषा जिहड़ी साडी लैंग्वेज है पंजाबी च ये मैं गल करना चाहना। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, ये जो आपने बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम, और मैं समझता हूं कि ये सारे देश को उम्मीद थी कि कांग्रेस की लीडरशिप इकट्ठी हो सारे देश को जोड़ने का काम करे। ये जो आप चंद दिन बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे हिंदुस्तान को इकट्ठे करने का ये जो काम आप करने लगे हो, मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसी ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड से बहुत सारी सरकारें बनी हैं और बहुत सारी सरकारें टूटी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी लीडरशिप पर, और सारा देश राहुल जी विशेष तौर पर गरीब का हाथ हमेशा कांग्रेस ने थामा, किसी और ने नहीं था। यह हिस्टोरिक फैक्ट है कि अगर गरीब का हाथ कभी किसी ने थामा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, तो अकेली कांग्रेस जमात है जो गरीबों के साथ रही। और मैं समझता हूं राहुल जी, जो गवर्नमेंट किसान की ना हो सकी, जो गवर्नमेंट जवान की ना हो सकी, उसको गवर्नमेंट कहलाने का आज हक नहीं। अगर वन रैंक वन पेंशन मिला तो मुझे याद है कि उस टाइम आपने मुझे मौका दिया था प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का काम करने का, पंजाब का। हजारों हमारे थी कि जो देश की खातिर अपना खून कुर्बान करते हैं, चाइना का और पाकिस्तान का सारे बॉर्डर को 24 घंटे सुरक्षित करते हैं, क्या हमारा सकता। मुझे इस बात का फख्र है, वो बात चंडीगढ़ में मैंने आपके सामने रखी, और आज चिदंबरम साहब इधर बैठे हैं, ये आपकी पहलकदमी थी कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की पार्ट टू की सरकार में वन रैंक वन पेंशन किसानों को जवानों को आपने दिलवाया था। किसानों को 70,000 करोड़ रुपया अगर माफ किया तो सोनिया जी की लीडरशिप के नीचे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ किया। आज 20,00,000 करोड़ रुपया मोदी साहब की सरकार ने किसका छोड़ा, बड़े उद्योगपति जो हैं, किसान की याद नहीं आई, जवान की याद नहीं आई। तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने कश्मीर के अध्यक्ष को भी मौका दिया, पंजाब से भी जुड़े हुए आपने अपने साथी को मौका दिया, क्योंकि ये दो स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान की हमेशा, जहां हमारी बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित रखने का काम विशेष तौर पर कश्मीरी और पंजाबी कर रहे हैं। मैं मशकूर हूं, इस सारी यात्रा में हम आपका साथ देंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये हिस्टोरिक रामलीला ग्राउंड में कर चो है, ये 24वें देश का माहौल सुधारेगा, और ये लोग जो गरीबों के खिलाफ आज बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इनकी अगर कोई विकल्प है तो आपके अलावा और कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं। सो मैं आपका मशकूर हूं, और यकीन दिलाना चाहता हूं
आपके कदम के साथ कंधे के कंधा लगाकर आपके इस ये जो बड़ा आपका प्रयास है इसमें हम आपका पूर्ण साथ देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। अरे हल्ला बोल साथी, हल्ला बोल, अरे बोल रे साथी बोल, अरे महंगाई पे हल्ला बोल। हमारे वरिष्ठतम नेता राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे साहब से मैं विनती करूंगा कि आइए और अपनी बात रखिए। मंच पर पधारे हुए हमारे युवा नेता और हम सब के चाहते नेता श्री राहुल गांधी जी समय के अभाव से मैं सारों का नाम नहीं ले सकता, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। इस मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आप राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं और खासकर महंगाई पे हल्ला बोल इस रैली को एक शक्ति देने के लिए आप आए हैं। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी शायरी के साथ दो शब्द मैं बोलूंगा और अपने भाषण को खत्म करूंगा। मौजूदा हालात पर किसी ने कहा है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह कम होती है और जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, आमदनी कम होती है, उससे ये कहा है कि तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, ये महंगाई के बारे में बोला है। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पे हुआ, बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो इसलिए दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसकी चर्चा करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की, 15 दफा हमने महंगाई पे चर्चा के लिए नोटिस दिए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए कभी मानी नहीं। और सरकार ये कहती रही, टालती रही, लेकिन जब राहुल जी मैदान में उतरे, सदन से सड़क तक जो हमने शुरू किया एजिटेशन, तब उन्होंने समय दिया, और वो भी केवल 5 घंटे का समय उन्होंने दिया। और 5 घंटे में कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं 28 मिनट चर्चा के लिए। आप सोचिए कि इतनी बड़ी समस्या को मोदी सरकार 28 मिनट हमको चर्चा करने के लिए दी। तो इतना जीएसटी बढ़ा और उसका अभी उसके बारे में तो तफसीली के साथ हमारे दोस्तों ने बताया कि आज जो जीएसटी
दही पे, दूध पे, गेहूं पे, आटे पे, बच्चों के पेंसिल पे, हर चीज पे जीएसटी बढ़ाई। और आज सभी को तंग किया और बेरोजगारी तो इतनी बड़ी, शायद कभी इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ, अरे डॉलर के मुकाबले में आपकी रुपए की कीमत घट रही है। और यही मोदी पहले कहते थे जब यूपीए की सरकार थी, अरे भाई डॉलर के मुकाबले में इधर रुपए का मूल्य तो गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, आप क्या कर रहे हैं? इधर महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य गिर रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचे दाम जा रहे हैं, तो उधर चाइना हमला कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन मोदी कभी जवाब नहीं देते, वो खामोश रहते हैं। हम कितना भी बात करो वो सिर्फ चुप बैठते हैं और बाहर पार्लियामेंट के बाहर इतनी बात करते हैं आप पूछो मत, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं देते, प्रेस के सामने जाके अपना जबान नहीं खोलते। तो ऐसे मुक्कों का, बहरों का, अंधों का ये सरकार है, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। इसीलिए एकजुट होकर राहुल जी के नेतृत्व पे हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जो सामान्य जनता है उनके समस्याओं को हम मिटाने की कोशिश करेंगे। यही मैं कहते हुए मेरे चार शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय, हिंद। अरे जरा जोर से बोलो भाई, ताकत है नहीं तुम्हारे पास। जय हिंद, जय हिंद। हमला बोलो, हमला बोलो, महंगाई पे हमला बोलो। धन्यवाद। आपको सलाम करता हूं कि थके नहीं है कुछ तो, ना कुर्सी पे बैठे ना नीचे बैठे, जोश बरकरार है, जिंदाबाद है आप लोग। अरे हल्ला बोल रे भाई, हल्ला बोल। अरे महंगाई पे हल्ला बोल। अब मैं गुजारिश करता हूं, हिमाचल में हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आए और दो तीन मिनट में हमारे सामने अपनी बात रखेंगे, फिर गहलोत साहब के बाद सीधे राहुल गांधी जी हमें संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी, खड़गे जी और हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता, मंच पे बैठे सभी मेरे आदर के योग्य नेतागण और सभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यगण इस सभा में आए, सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथी और
हमारे सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इन तक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, आज हमें बहुत खुशी है कि हमने दिल्ली में राहुल जी के आदेश के मुताबिक एकत्रित होकर महंगाई पर जो अपनी आवाज को बुलंद किया है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं राहुल जी को कि राहुल जी इस मुहिम में हर स्टेट से आपको आश्वासन और समर्थन मिलेगा। हम लोग अपने अपने जगह में भी ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को उठा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जन जन की आवाज को हम पार्लियामेंट में भी उठाएं। जैसा अभी खड़गे जी ने कहा, वहां भी हमने बहुत प्रयास किया कि हम महंगाई पर अपनी आवाज, हमको समय ही नहीं दिया बोलने का, हालांकि कितनी बार पार्लियामेंट स्थगित हुआ इसी करके कि हमने आपको अपनी आवाज सुनानी थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वक्त आने दो, आप मुझे मौका दो, मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं एक साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार दूंगा। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आज तो आपको कुर्सी पर बैठे 8 साल हो गए, आपके वचन के मुताबिक 18 करोड़ बच्चों को, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें दुख है कि आपने ना वो रोजगार की बात कही और ना ही आपने महंगाई पर बात की। आपने भी बार बार कहा था, जब ये गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आपने कहा मुझे मौका दो, मैं इस महंगाई को कम करूंगा। आज जैसा आप जानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लगी, जिसपे महंगाई के दाम कहां से कहां पहुंच गए। और हमें दुख है कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाहते। मैं ज्यादा समय ना आपके लेती हुई, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, सभी आप इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका धन्यवाद। और मैं इनको आश्वासन देती हूँ कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में, और आप जैसा जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो अब चुनाव आने वाले हैं, हमारे दो ही अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी की और महंगाई की बात। हम जन जन में, घर घर में, हर व्यक्ति तक इस आवाज को उठाना चाहते हैं। हमें खुशी है कि महिलाओं का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, महिलाएं भी इसमें खुलकर साथ आई हैं और वो भी चाहती है कि हम भी प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश को जीतकर राहुल गांधी जी की गुझोली में डालेंगे और उसी तरह से हमारा परिवर्तन शुरू होगा और बार पूरे भारतवर्ष में हम इस परिवर्तन को ला के रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।